સેલવાસની ટોકર ખાડા સ્કૂલમાં મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વીપ અંતર્ગત યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં ચૂંટણી શાખાના અધિકારીઓએ ઉપસ્થિત રહીને મતદાન અંગેની વિગતો આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં 600 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને ભાગ લઈને મતદારોના હક વિશેની માહિતી મેળવી હતી. ચુનાવ આયોગ કે દિશા નિર્દેશ અનુસાર ભારત કે સભી સ્કૂલોમાં ચુનાવી પાઠશાલા शुरू की गई है. जैसे कि आपको मालूम है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए विद्यार्थी एक ऐसी चीज़ है कि उनको अगर आप ट्रेन कर दो इलेक्शन के लिए, उसका विधि बता दीजिए किस तरीके से करने का है, तो वो उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो घर पे जाके अपने माता पिता को भी जागरूक करेंगे, अपने आस पड़ोस में रहने वालों को भी जागरूक करेंगे. तो इसका मुख्य उद्देश्य है आज का ट्रेनिंग, जहाँ पर ईवीएम मशीन लाया गया है स्कूल में, साथ में जो हमारे स्पेशलिस्ट जो ट्रेनर हैं वो चुनाव वो भी इधर हैं, वो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल उनको करके बताएंगे और उनके हाथों से भी करवाएंगे कि मतदान कैसा किया जाता है, फिर वो जो वो लोग आगे समाज में जाके इसका प्रचार करेंगे. दूसरा ये कि हमारा अभी नया एक इंस्ट्रूमेंट आया है इसमें, जिसमें जब वोट डालते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो वोट गिरा है जो मैंने वोट के सामने, इसलिए उनके सामने मशीन लाए हम. जब वो वोट डालेंगे तो सामने जो नया इंस्ट्रूमेंट वीवीपैट आया है वो उनको एक स्लिप गिरता हुआ दिखेगा. वो जैसे ही वोट देंगे वहाँ से स्लिप गिरेगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा वोट जो है वो गिर गया. उसके लास्ट में जब किसी ये पार्टी को शंका होती है तो वो उसका गिनती, वो स्लिप जो गिरा है उसका गिनती भी करवा सकते हैं. तो ये अभी एकदम पारदर्शी हो गया, उसमें कोई शंका नहीं रह गया कि इसमें ये होता है वो होता है, वो एकदम नीट एंड क्लीन ही चुनाव होते हैं और वही ट्रेनिंग बच्चों लोगों को दिया जाएगा और वो लोग उसका समाज में जाके उसका प्रचार भी करें.